हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं और पियानो बजाते बजाते एक अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ये बात जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो कीज हैं ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, जो इन कीबोर्ड पे या पियानो पे जो कीज होती हैं, उन पे हमारी उंगलियां किस प्रकार से चले, किस प्रकार से हम अपने फिंगर्स की, अपने उंगलियों की प्रैक्टिस करें ताकि हम एकदम फास्टेस्ट पियानो और बहुत अच्छे तरीके से एक रिदमिक वे से बजा सके, उसके लिए आपको अपने फिंगर्स का नॉलेज होना चाहिए कि हमारा कौन से फिंगर्स किस की पे चलेगा, तब हम सही प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसा कि आप अगर अपने फिंगर्स के बारे में जानते होंगे, अपने हाथों में जैसे पांच उंगलियां होती हैं, तो सबका नाम होता है, जैसे ए होता है थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, उसके बाद ये लिटिल फिंगर, या इसको पिंकी भी बोलते हैं। तो पांचों उंगलियों का नाम होता है ना सबका, ऐसे आप अपने उंगलियों के नाम याद कर लिए, 1 2 3 4 5। जब आप कहीं पियानो क्लास लेने जाएंगे तो आपको इन उंगलियों के बारे में नाम इनका बताया जाएगा, और 1 2 3 4 करके वैसे आपको कमांड भी दिया जाता है, 1 प्ले करो 2 प्ले करो 3 प्ले करो, ऐसे ऐसे करके बताया भी जाता है। तो आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर आप इन कीज के बारे में जानते होंगे, जैसे यहाँ जो कीज दी गई है, कीज की स्टार्टिंग जैसे आप इंग्लिश में सीखे होंगे, तो एसी होता है, एडी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है ना, सी से सी तक एक सप्तक हो गया ना, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सारे मेजर कीज होते हैं ना, और ऊपर जो दिया गया ये सारे साप होते हैं, जैसे सी साप, डी साप, ई साप नहीं होता है, उसके बाद एफ साप, जी साप, ए साहब, ठीक है। तो ये सारे शार्प कीज हैं और ये सारी मेजर कीज हैं। लेकिन अगर आप हिंदी का सीखे होंगे तो इसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे हिंदी के हो गए। वैसे हिंदी म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, दोनों का सीखने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग है, बाकी कीज तो सब वही रहती, नाम थोड़ा सा बदल जाता है बस। तो अभी हम नीचे से, जब भी आप पियानो क्लास लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये नीचे वाली कीज को प्रैक्टिस कराया जाएगा, इनको सिखाया जाएगा, सिखाया भी जाता है, सब सिखाया जाता है, लेकिन सी से लेकर सी तक बजाना पहले सिखाया जाता है। तो हम लोग अभी पहले यही सीखते हैं कि अपनी उंगलियों को इन पे कैसे सेट करें ना, हमारी ये पांचों उंगलियां इन पे कैसे चलती है, इस सी से लेकर इस सी तक, ठीक है। तो जो सबसे पहला सी होता है ए वाला, इस पे हमको अपना थंब लेना होता है, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे पहले सी डी, देखिए सी पे ए उंगली आई, डी पे ए आएगा, ई e, फिर यहाँ एफ पे फिर थंब आ जाएगा। अब थंब यहाँ आ गया तो ये सारी उंगलियाँ फ्री हो गई, फिर अब यहाँ ए आ जाएगा, अब फिर लास्ट पे सी पे थंब आ जाएगा, फिर से थंब से स्टार्ट हुआ, थंब से एंड होगा ना, 1 2 3 1 2 3 4 1। तो हमको स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस करना होता है इस सी से लेकर इस सी तक, तो अपने पांच उंगलियों को हमको ऐसे ही चलाना होता है। फिर से आप देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 1 1 4 3 2 1 3 2 1, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि इस सी से लेकर इस सी तक हम लोग अपने पांचों उंगलियों को कैसे यूज करते हैं। अब अगर ऊपर ब्लैक कीज भी देखा जाए, अगर यहाँ से सी आप स्टार्ट करें, सारे गामा पधा नहीं, तो यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ से पहले उंगली ए आती ना, यहाँ से पहला ए नहीं आता, थंब नहीं आता, पहला ए आता है सा, फिर ए आएगा, फिर ग पे थंब आ जाएगा, इस पे थंब आ जाएगा, फिर यहाँ से ए वाला खाली है, यहाँ आ जाएगा, फिर ए, फिर ए, फिर यहाँ थंब आ जाएगा, फिर यहाँ ए वाला आना चाहिए। आदत अगर सही नहीं तो हमारी अक्सर करके ए वाली उंगली यहाँ आती है या और कोई आ जाती है, लेकिन यहाँ पर यही आनी चाहिए ना। तो ऊपर वाली कीज पे, इन ब्लैक कीज पे हमारी उंगलियां इस प्रकार से काम करती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये सरगम सीखेंगे तो ऐसा कुछ पैटर्न रहता है, उसके बाद का अगर पियानो प्रैक्टिस करेंगे तो उस पे 1 3 5 आने लगता है, जैसे अब इसमें देखिए वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना। अब वो जो पैटर्न है वो जब हम लोग सरगम बजाते हैं तब के लिए, लेकिन जब उसके आगे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे इसमें देखिए, तो जब आप आगे की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी उंगलियां चेंज होने लगी ना, 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2।
तो स्टार्टिंग में आप अपने उंगलियों को इसी पैटर्न पे रख के मैच कराएं इसी पैटर्न पे बजाएं, क्योंकि होता क्या है अगर आप स्टार्टिंग में गलत फिंगरिंग सीख लेंगे, अगर आपकी उंगलियां सही से नहीं सेट हो पाएंगी तो आगे चल के जब आपको फास्ट पियानो बजाना होगा तब आपकी उंगलियां हौच पोच करने लगेंगी, मैच नहीं हो पाएंगी ना, इधर उधर बैठने लगेंगे तो आप एक बार में दो दो सुर बजाने लगेंगे या गलत बजाने लगेंगे, आपकी उंगलियां फास्ट काम ही नहीं कर पाएंगी, तो उस समय आपको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसीलिए अगर स्टार्टिंग में आप सही रियाज करेंगे, सही उंगलियों को समझ के रियाज करेंगे तो वो प्रॉब्लम शायद आपको कभी फेस ना करना पड़े। तो राइट हैंड का ये पूरा प्रैक्टिस था, ये तो बेसिक का सबसे पहला प्रैक्टिस था। ऐसे ऐसे हम लोग को कई ढेर सारे फिंगर्स की प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे पियानो को इन्हांस करती हैं। राइट हैंड का ये था, लेफ्ट हैंड की आगे हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप कि आपको उंगलियों के पैटर्न के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और कितने पैटर्न होते हैं जिससे हम लोग राइट हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से पैटर्न होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप उन सारी चीजों को सीखना चाहते हो तो हमसे कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को आप देख पाएं, सीख पाएं।